इलाके के बड़े मशहूर सियासतदान राणा सनाउल्लाह है, उनके लिए कोई पैगाम? राणा सनाउल्लाह मतलब वो तो ना सियासतदान नहीं, वो तो सियासत का ठाकर बन गया। काम नहीं है, जेल भरने के लिए रेडी है। जेल ही ले जाए, अगर इनकी खैश पूरी हो जाती ना देन वी आर रेडी। अगर आज वाम टैक्स ना दे तो ये इनके जो लंदन वाले फ्लैट्स हैं ये वो सब बेचे भी ना तो पाकिस्तान नहीं चला पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मेरा नाम इकदास हुसैन और मैं तांदला वाला फैसलाबाद PP-101 रह वाजिद अली खान की क्यादत में हम इधर आए हैं। और हमारा मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने कल ऐलान किया था कि जेल भरो तरीक, तो हम पहले भी रेडी थे और अब भी हम रेडी हैं क्योंकि और काम नहीं है, जेल भरने के लिए रेडी हैं। क्योंकि और कोई काम रह ही नहीं गया पाकिस्तान में, क्या है, बेरोजगारी है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, आटा मिल नहीं रहा, तो फिर और क्या करें। चलो ठीक है, जेल ही ले जाएं, अगर इनकी खैश पूरी हो जाती ना देन वी आर रेडी, कोई मसला नहीं। आज जी इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और बड़ा फोर्स किया कि इंटरव्यू देना चाह रहे थे, ये फैसलाबाद से आए। मुझे लगता है कि फैसलाबाद वालों के पास तो बहुत से काम है, वो इतनी अच्छी अच्छी जुकतें लगाते हैं और मजाक बनाते हैं, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं है? नहीं, काम है, अल्हम्दुलिल्लाह काम है सबके पास, लेकिन जो हालात हो गए ना काम के, ठीक है ना, अब देखें ना एक बंदा मजदूर है उसकी तकरीबन मजदूरी ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 बनती है पर डे, ठीक है ना, तो शाम को जब वो घर जाता है ना तो उसको घी भी लेना पड़ता है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, आटा भी लेना पड़ता है, तो 800 अगर वो कमाता है ना तो उसका खर्चा तकरीबन पर डे उसका खर्चा 1200 से प्लस हो जाता है, वो 400 का रोज़ मकरूज हो रहा है, वो क्या काम। आपने क्या सोचा कि ये सारे खर्चे बचाएं और जेल की रोटियां तोड़े जाके? ऐसी कोई बात नहीं, जेल की रोटियां, जेल की, जेल में किन किन लोगों ने रोटियां देनी, ये अपने मतलब इन्होंने अपने खर्चे से हमें रोटियां देनी है। पाकिस्तान टैक्स पे चल रहा है, पाकिस्तान अवाम के जरिए चल रहा है, अगर आज अवाम टैक्स ना दे तो ये इनके जो लंदन वाले फ्लैट्स हैं ये वो सब बेचे भी ना तो पाकिस्तान नहीं चला पाएंगे। पहली बात इन्होंने बेचने ही नहीं है क्योंकि इन्होंने तकरीबन 30 ईयर से पाकिस्तान को लूटा ही है, 30 ईयर से पाकिस्तान को लूटा ही है, लूट लूट कर खा गए हैं। बताएं कि आप जेल चले जाएंगे, पीछे फैमिली को कौन देखेगा, आप कोई ना कोई काम तो करते ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हैं देखने वाले, कोई नहीं, मैं पहले भी तकरीबन ना मतलब इतना कोई फिक्र नहीं, अगर मैं जेल में चला भी जाऊँ ना तो मेरे घर वाले मतलब इतना स्टेबल हैं कि वो मेरे बगैर गुजारा कर सकेंगे, उनका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा गुजारा होता रहेगा। अगर इनका हमारे जेल बनने से अगर इनकी हुकूमत चलती तो देन वी आर रेडी, कोई मसला नहीं, ले जाएं हमें आपके इलाके से। हमारे गिरफ्तारी से, अगर हमारी गिरफ्तारी से, इन सब लोगों की गिरफ्तारी से, ये सब भाई स्टेक होल्डर्स PTI के जितने भी MP-MN हैं, अगर उनको गिरफ्तार करने से ना मुल्क ठीक हो जाता है ना देन वी आर रेडी, ले जाएं हमें, कोई मसला। आपके इलाके के बड़े मशहूर सियासतदान राणा सनाउल्लाह है, उनके लिए कोई पैगाम? राणा सनाउल्लाह मतलब वो तो ना सियासतदान नहीं, वो तो सियासत का ठाकर बन गया, ठीक है ना। सियासतदान लीडर मतलब वो होता है जिसको अवाम इलेक्ट करती है, ठीक है ना, वो सियासतदान नहीं होता जो अपने जबर से, अपने मजालिम से, अपनी मतलब कुवत से, अपनी स्ट्रांगनेस से आके अवाम पे काबिज हो जाए। इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स मतलब पोलिशियन, वो सियासतदान नहीं, सियासतदान तो वो है ना जिसको अवाम का ख्याल हो, जिसको अवाम सेलेक्ट करे, जिसको अवाम मतलब आगे लेकर आए, वोट दे, वो आगे आए, वो मतलब किसी चेयर पे विराजमान हो, तो वो सियासतदान है। ये राणा सनाउल्लाह तो मतलब डंडे। PTI में कौन कौन सियासतदान है, किसको बेहतरीन लीडर समझते हैं खान के बाद? PTI में सबसे जो मेरा पसंदीदा लीडर है ना, मेरा पसंदीदा लीडर बजाते खुद मेरा इमरान खान साहब है, ठीक है ना, फ़र्क अभी में फैसलाबाद की, और अब इंशाल्लाह ताला मेरे मतलब मेरे गाँव के रह साहब हैं, उनका नाम रह वाजिद अली है, उन्होंने तकरीबन ना 30 ईयर्स प्लस एक अच्छा कैरियर निभाया है, वो एज अ असिस्टेंट कमिश्नर सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने एडिशनल कमिश्नर वो रिटायर हुए हैं, उनका पूरा कैरियर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा उनको ये नहीं कह सकता यू आर अ करप्ट, नहीं। तो मेरा अब जो पसंदीदा लीडर है ना मतलब वो रह वाजिद खान साहब हैं। अच्छा, मैं उनका अच्छा, खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं फिर आपके हालात बदल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर बदलेंगे क्यों पीछे चले जाएं, मतलब आज से तकरीबन 9 महीने पीछे चले जाएं, क्या हालात थे आपको पता नहीं है, पेट्रोल हमारा 150 पे था, दूसरा आटा मिल रहा था, खादें मिल रही थी, हर चीज़ मिल रही थी, अवेल थी हर चीज़, अब क्या कंडीशन होगी। इससे आप सोच सकते हैं ना कि हमारा मुल्क मतलब स्टेबल हो। तो हम तो जब जाते थे अवाम में ना इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो लोग अवाम कहती थी महंगाई है महंगाई है महंगाई है, अब क्या है? अवाम को पता ही नहीं था। बहुत शुक्रिया। अवाम को पता ही नहीं था कि अब पता चला है ना, अवाम को अब पता चला है, उस वक्त तो कोई पता नहीं, मतलब कोरोना में किसने
मुल्क को सही किया। अब इमरान खान ने पूरी दुनिया में जो कोरोना में इमरान खान ने विजन लॉन्च किया था ना, वो पूरी दुनिया में सराहा गया है। पूरी दुनिया में हर बंदे ने इमरान खान की तारीफ की है कि ही इज़ अ परफेक्ट मैन, उसने अच्छा काम किया। अभी पुलिस पकड़ने आ जाती है खान साहब को गिरफ्तारी के लिए, क्या करेंगे आप लोग? हम जाने को गिरफ्तार पता है किसको किया जाता है? मेरी गिरफ्तार पता है किसको किया जाता है? गिरफ्तार चोर को किया जाता है, उचक्के को किया जाता है, गुंडे को किया जाता है। आप ये सारे इतने लोग खड़े हैं, मेरा ये अब पाकिस्तानी अवाम से क्वेश्चन है, अगर आप ये मेरा क्लिप चलाएंगे ना तो मैं ये पाकिस्तानी अवाम से क्वेश्चन करता हूँ कि इमरान का चोर है? कोई कहेगा? इल्जाम तो है उन पे, इल्जाम तो है उन पे। क्या इल्जाम है? घड़ी तो साबित कर नहीं पाए। इल्जाम क्या है? इतना मतलब 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, या देखे ना, एक बंदा है उसने अपनी जीते जी जिंदगी अपनी पूरी जो जायदाद है वो खानम हॉस्पिटल के नाम कर दी है। अब आप उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? वो बैठा है इधर, देखे ना, इमरान का एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा लीडर है, जब वो क्रिकेट खेलता था तो दुनिया उसकी फ़ैन थी, ठीक है ना, ईमानदारी की वजह से। उसने फिर मतलब सियासत में आया, दुनिया उसके पीछे लगी। आज से तकरीबन 96 को किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि आप तो मतलब एक एमएनए की सीट गेट नहीं कर सके, तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि मेरा जो वोटर है ना ये मतलब वो छोटा है, अभी बड़ा वोटर बड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, और हम इधर इमरान खान के लिए, मैं मतलब नून लीग बात है जी, ये कह रहे हैं कि हम बड़े ही खान साहब के लिए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।